अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई हरी, विधान सर को जाने दो। वाह भारतीय नारी वाह, क्या कहे अब हम, मेरा पति मेरा देवता है, प्लीज उसे कुछ मत करना। ऐसी बात है ना, हरी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। बचोगे तो अब तुम कोई भी नहीं। तेरी बहुत सुन ली और देख भी ली, अब तू मेरी सुन और कान खोल के। ज्योति मेरी पत्नी है, सिन्हा परिवार की बहू, अब उस पर आने वाली हर मुसीबत के बीच मैं खड़ा हूं। अब उसके आसपास या फिर 100 फीट के दायरे में भी दिखा, जितनी सांसें तेरे शरीर में अभी है ना, आइंदा बचेगी नहीं। और अगर अपने होठों से उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हरी गौर। और वेदांत सिन्हा की चेतावनी कभी हल्के में मत लेना। ये सब किसने किया? भैया आप यहाँ? हाँ ठीक है, ये लीजिए भैया, खूब अच्छे से बजाइएगा, मेरे बेटे की शादी हुई है। अब जो भी हो, मैं भी इस खुशी में शामिल हो जाता हूँ, मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। अरे बुआ जी, ये बैंड बाजा किस खुशी में? तेरे वेदांत भैया ने शादी कर ली है, सिन्हा परिवार की बहू आ रही है। सच में? हाँ। तो ढोल तो बजा, चलो बजाओ।
वो ज्योति ने मेरी आंखें देखी हुई है, मुझे उससे अपनी आंखें छुपा दी। ज्योति क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। वेलकम होम भाभी, कंग्रेचुलेशंस भैया, आपने तो हम सबको सरप्राइज ही दे दिया। आज मुझे सच में प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपका भाई हूं। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूं, ये दान के लिए परफेक्ट है। कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, तुम दोनों की जोड़ी तो महाकाल ने अपने हाथों से बनाई है। बस किसी की नजर ना लगे तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा कि तू इस परिवार को और इस परिवार से जुड़े रिश्तों को संभाल लेगी। चल गृह प्रवेश की रस्म करते हैं, आजा। वेदांत सर अपनी माँ से बात तक नहीं करते, वो अपनी माँ को इस तरह अनदेखा क्यों कर रहे हैं? चल। ज्योति तुम्हें तो चोट लगी है, इतना खून आ रहा है, शायद मार्केट में मारपीट में तुम्हें लग गई। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। श्योर? जी। एक बात पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना, क्या सच में तूने इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा दिया है या फिर इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे तेरा दिल पिघल गया और तूने तरस खाकर इससे शादी कर ली? एक बात याद रखना, दया करके इंसान भीख दे सकता है, किसी का घर चला सकता है, लेकिन अगर दया में प्रेम दिया जाए ना तो वो दिन ब दिन कम होता जाता है। और जब नींव ही इतनी कमजोर हो तो फिर घर बिखरने में देर नहीं लगती। कहीं वेदांत सर ने सच में मुझसे शादी मुझ पे तरस करके तो नहीं? नानी, छोटी उम्र में इतना कुछ देखा कि जिंदगी ने बड़ा कर दिया। जिंदगी में आज तक मेरा लिया गया फैसला कभी गलत साबित नहीं हुआ, और ये फैसला भी मैंने पूरे होशो हवास में लिया। और मैं जानता
कि यही सही है। सही नहीं बेटा, ये तेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। तुम हम दोनों के बीच ना ही बोलो तो अच्छा है सुप्रिया। वेदांत, तुमने अपना फैसला सुना दिया है, अब मेरा फैसला सुनो। ये मेरा घर है और मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानती हूं। मेरे घर के कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें तोड़ने का अधिकार मैंने खुद अपने आप को भी नहीं दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस लड़की को जहां से लाए हो वहीं छोड़कर आओ। और एक बात याद रखो, तुम वेदांत सिन्हा हो और मल्लिका तुम्हारे लायक है, ये लड़की नहीं। सिर्फ मल्लिका इस घर की बहू बनेगी। मैं ज्योति को इस घर की बहू नहीं मानती। देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।